Hey guys, welcome to the next lecture of business correspondence and reporting. So today we are going to start with our next chapter, chapter 6. And क्योंकि chapter 7 थोड़ा छोटा है, इसलिए we will be covering both these chapters together. ठीक है? तो chapter 6 है basics to writing and chapter 7 है essay writing, right? तो हम इनको serial order में cover करेंगे. सबसे पहले we are going to cover chapter 6. बेसिक्स टू राइटिंग. ओके, तो इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं हम. तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे स्टेप्स फॉर राइटिंग. राइटिंग जब हम कोई भी राइटिंग करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर लिखते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रेसे राइटिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रेसे एंड समरी, क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसे, प्रेसे राइटिंग प्रोसीजर. राइट, तो इंट्रोडक्शन. राइटिंग क्या है? राइटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स वास्ट वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज. राइटिंग क्या है? राइटिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जहाँ पे आपको बहुत सारी वोकैबुलरी चाहिए. ऑब्वियसली मुझे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए मुझे वो सब शब्द आने भी तो चाहिए, राइट? तो मेरी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, राइट? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस फॉर्म करने आने चाहिए मुझे, राइट? जैसे हमने पढ़ा था ना, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, सिंपल सेंटेंसेज, राइट? तो मुझे अलग अलग टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, ग्रामेटिकल यूसेज भी पता होना चाहिए, क्योंकि लिखते समय आई हैव टू टेक केयर कि कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स रख ले हैं, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, एट्सेट्रा. ओके, दूसरा, अब लिखना एक थोड़ा सा दिमाग वाला काम है. जब मैं कोई भी चीज़ के ऊपर लिखती हूँ तो ऐसा नहीं, जैसे सपोज करो काऊ के ऊपर मुझे लिखना है ऐसे, तो मैंने लिखा कि काऊ बहुत ही यूज़फुल एनिमल है. उसके बाद मैंने लिख दिया काऊ के चार टांग होती है, ठीक है? फिर मैंने लिखा काऊ बहुत यूज़फुल है, राइट? तो काऊ से हमें ये मिलता है, लेदर मिलता है. अब पहले मैं, अब मेरा जो लिखना है ये क्या है, ये एक ना लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बीच में बॉडी का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, साथ में उसकी यूटिलिटी बता रही हूँ, विच इज़ टोटली रॉन्ग, राइट? मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं बॉडी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ तो मैं पहले कंप्लीट बॉडी डिस्क्रिप्शन दूंगी, उसके बाद फिर उसका यूटिलिटी बताऊंगी कि काऊ की क्या यूटिलिटी है. बीच में यूटिलिटी, फिर उसके साथ साथ एक बॉडी डिस्क्रिप्शन, फिर यूटिलिटी, फिर बॉडी डिस्क्रिप्शन, तो वो ना एक हॉच पॉच सा लगेगा, राइट? इट वुड नॉट लुक गुड, राइट? ठीक है, तो सीक्वेंशियल होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिखते समय, हमें ये बड़ा ध्यान रखना है. ओके, फिर मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रेन आर यूज इन क्रिएटिंग टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सीक्वेंशियली सो दे मेक सेंस टू द रीडर, राइट? तो बहुत ही मुझे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि कैसे मैं अपना टेक्स्ट बनाऊँ, जो लिख रही हूँ कैसे प्रेजेंट करूँ, अपने वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, ताकि जो रीडर है उसको वो चीज़, इट शुड मेक सेंस टू हिम, राइट? उसे ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या लिखा है, राइट? अब राइटिंग इज अ स्किल टू बी डेवलप्ड. राइटिंग एक स्किल है, राइट? ये भी एक कला है जो कि टाइम के, जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगी उतनी ज़्यादा ये डेवलप होगी. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज, ओपिनियंस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. जिस तरीके से बोलने से आई वॉज कम्युनिकेटिंग, उसी तरीके से लिखना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है कम्युनिकेशन का. लिख के भी मैं किसी सामने वाले बंदे को अपनी फीलिंग्स बता सकती हूँ, अपने आइडियाज शेयर कर सकती हूँ, ठीक है? राइटिंग डाउन आइडियाज हेल्प इन ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू द थॉट प्रोसेस, राइट? अगर मैं कोई चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही है अगर मैं उसको लिख दूँ तो उससे ना और ज़्यादा क्लैरिटी आती है. ओके, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सेविंग इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रेफरेंसेज.
मुझे बात के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेटर ऑफ है कि लिख दी जाए, जैसे आप क्लास में नोट्स बनाते हैं राइट, तो सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, उसको लिख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो एक बार उनको रिवाइज कर लो राइट. मोर एंड मोर कंपनीज आर लुकिंग फॉर पीपल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स राइट. कंपनीज में भी ऐसे लोगों की डिमांड है जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हों. स्टेप्स फॉर राइटिंग. अब लिखने के क्या क्या स्टेप हैं. सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड द टॉपिक राइट. टॉपिक आपको डिसाइड करना है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ, और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो. कोई करंट टॉपिक हो सकता है या राइट, अगर आप किसी छोटे बच्चों के लिए लिख रहे हो तो आप स्टोरीज लिख सकते हो राइट. तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हु इज़ गोइंग टू रीड योर दिस रिटन मटीरियल. ठीक है, हु इज़ गोइंग टू रीड इट. ठीक, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया टॉपिक अपने ऑडियंस के हिसाब से राइट. अगर बच्चे हैं तो आपने सोचा कि मैं स्टोरी लिखूंगा. ओके, अब आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रिसर्च करनी है, थिंक करनी है. सोच तो लिया कि स्टोरी लिखूंगा, बट आपके पास आपको कुछ पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो क्या स्टोरी लिखेंगे. तो सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो गई, अब उसको ऑर्गेनाइज करना. जैसे कि गाय के ऊपर, काऊ के ऊपर मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना है. जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी फिजिकल, उसके बॉडी पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन एक पैराग्राफ में दोगे, फिर उसकी यूटिलिटी का डिस्क्रिप्शन अगले पैराग्राफ में दोगे. तो इस तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर से आपको ऑर्गेनाइज करना है. ओके, फिर एक बार ऑर्गेनाइज हो गया तो यू विल स्टार्ट राइटिंग. ठीक है, आप लिखना शुरू करेंगे. तो जब आप लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे. सबसे पहला पैरा में आप इंट्रो लिखेंगे, जैसे काउ की बारे में लिखेंगे कि गाय हमारी राइट, काउ इज़ अवर गॉड. और दूसरी चीज़, काउ का क्या सिग्निफिकेंस है राइट. उसके बाद सेकंड पैरा में हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ आ सकते हैं राइट. थर्ड पैरा में हम यूटिलिटी की तरफ आ सकते हैं राइट. तो सेकंड पैरा में डिटेल्स, ठीक है. थर्ड पैरा में लास्ट में आप अपने कंक्लूजन्स भी दे सकते हैं. ठीक, आप अपने, जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो आप फ्लो चार्ट की या डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं. ठीक, जैसे एक आउटलाइन भी बना सकते हैं. जैसे कि मुझे किसी टॉपिक के ऊपर लिखना है, देखो मुझे टॉपिक मिला है साइंस, बून और बेन, मतलब साइंस अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है. ठीक है, तो मैंने लिख दिया साइंस, बून और बेन. ठीक है, अब मुझे ना लिखना है साइंस के ऊपर, तो मैं एक आउटलाइन बना लेती हूँ साइंस की डेफिनेशन, साइंस के मेरिट्स, साइंस के डीमेरिट्स, बैलेंसिंग. तो मैंने आउटलाइन बना ली पहले, ये मेरी आउटलाइन है. ये आउटलाइन क्यों बनाई मैंने, ताकि जब मैं लिखूँ ना तो मुझे पता रहे कि पहले मैंने, अच्छा पहले मैंने इसके बारे में लिखना है, साइंस को डिफाइन करना है. ओके, फिर मैंने लिख दिया, फिर मैंने लिखा अच्छा फिर साइंस के मेरिट्स लिखना है, फिर मैंने साइंस के मेरिट्स लिख दिए, फिर साइंस के डीमेरिट्स लिखने हैं, चलो डीमेरिट्स. अब साइंस के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है. अब मैं उसके ऊपर लिखूंगी तो मुझे पता चल गया. तो आउटलाइनिंग करनी ज़रूरी है जब भी मैं कोई टॉपिक के ऊपर लिख रही हूँ राइट, बिकॉज दैट हेल्प्स मी टू राइट इन अ सीक्वेंशियल मैनर. ओके, और मुझे पता भी रहता है इसके बाद क्या लिखना है. ठीक है, वरना मैं राइटिंग को बीच में स्टॉप कर करके सोचती रहूँगी कि अब मैं इसके बाद क्या करूँ राइट. तो उससे आपके कुछ पॉइंट्स छूट सकते हैं, इसीलिए पहले आउटलाइन फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, फिर रिवाइज करा जो आपने लिखा है उसको, ऑब्वियसली आप रिवाइज करेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप उनको हाईलाइट करेंगे. फिर आप क्या करेंगे, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग. एक बार आपने लिख तो दिया राइट, अब इससे पहले कि वो छपे आप उसको एक बार क्या करेंगे, ये चीज़ खासकर कहाँ इम्पॉर्टेंट आती है, यूज़ आती है. जैसे आप कोई स्टोरी बुक के लिए लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, तो उसको, उसके लिए एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है.
राइट तो उसके लिए प्रॉपर लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आपने जो बुक बनाई है उसकी एडिटिंग करेंगे, एक बार रीडिंग मार के देखेंगे और जो भी आपकी मिस्टेक है आपने की है, पंक्चुएशन मिस्टेक्स वगैरह, वो आपकी वो करेक्ट कर देंगे। उसके बाद बुक को प्रिंट करा जाएगा, राइट। फिर पब्लिशिंग एंड प्रिंट, ठीक है, फिर प्रिंट हो गई, फिर वही स्टेप फिर से शुरू। अब आपको नए टॉपिक पे लिखना है तो डिसाइड द टॉपिक एंड सो ऑन। तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, सबका अपना अपना स्टाइल होता है राइटिंग का। राइटिंग के स्टाइल से पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, पर्सनालिटी क्या है आपकी, और आपने जो ये चीज़ लिखी है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं वो लिख के, राइट। तो एवरी राइटर हैज हिज और हर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑथर्स मूड, टोन, पर्सपेक्टिव, पर्सनालिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर पीस। अब लिखने के बहुत सारे स्टाइल हैं, एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव या ऑर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, नैरेटिव स्टाइल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज स्टाइल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोजिटरी स्टाइल के बारे में। एक्सपोजिटरी स्टाइल, ये स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है, जहाँ पे आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट। तो वो हो जाता है आपका एक्सपोजिटरी स्टाइल, ठीक है। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज राइटिंग दैट सीक्स टू एक्सप्लेन, इल्यूमिनेट और एक्सपोज। नाम से पता चल रहा है एक्सपोजिटरी, एक्सपोज, विच इज वेयर द वर्ड एक्सपोजिटरी कम्स फ्रॉम, राइट। एक्सपोजिटरी से एक्सपोज भी निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब जब भी आप कोई न्यूज पढ़ते हो उस आर्टिकल में किसी को एक्सपोज किया गया होता है, राइट, तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा स्टाइल ऑफ राइटिंग है, एक्सपोजिटरी, राइट। तो इसका पर्पस क्या है, इट इज द पर्पस ऑफ दिस राइटिंग इज टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन फैलाना, राइट। इट स्टेट्स फैक्ट्स, ये एक्सपोजिटरी राइटिंग ऑब्वियसली किसी को एक्सपोज कर रहे हैं तो फैक्ट्स से लिखेंगे, राइट। इट स्टेट्स फैक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं आप बीच में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप किसी फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, कोई रियलिटी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपके इमोशंस या आपके थॉट्स उनका कोई काम नहीं है, राइट। जैसे न्यूज़ है, आप किसी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, राइट, तो आप अपना राय थोड़ी ना डालेंगे बीच में, आप बस वो जो एक्सीडेंट की साइट है वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग करेंगे, जो फैक्ट है आपके सामने है उन सब चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स टेक्स्ट बुक्स, आप देखते हैं आपके पास होती हैं, उनमें राइटर का पर्सनल ओपिनियन नहीं डाला होता है, राइट। रिसर्च पेपर्स, उसमें भी रियलिटी लिखी होती है, कोई ऑथर का कोई पर्सनल उसमें शामिल नहीं है थॉट, राइट। रिपोर्ट्स आप देखते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, राइट, रिपोर्टर अपने दिमाग की बात थोड़ी ना लिख रहा है उसमें, जो चीज़ वो सामने बता रहा है वही चीज़ वो उसमें लिख रहा है। एसेज, राइट, तो ये सब हो गए आपके, इन सब में कौन सा स्टाइल फॉलो होता है, एक्सपोजिटरी, बस आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, जो चीज़ आपके सामने है यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। सेकेंड स्टाइल इज पर्सुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल। The aim of persuasive writing is to convince and influence our reader of a certain idea or position on an issue. The writer persuades the reader to accept his point of view through arguments supported by reasoning and facts. Persuasive writing is common to editorials, speeches, advertisement. Persuasive writing वो होता है कि दूसरे को किसी चीज पे भरोसा दिलवाना, right? दूसरे को पर्सुएट करना, पर्सुएट मतलब उसका माइंड चेंज करना कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, राइट। आप कोई एडवर्टीजमेंट देख पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, राइट, 30 डेज में अच्छी हेल्थ पाइए, मोटापे से छुटकारा पाइए एंड सो ऑन, राइट। तो
उसके नीचे उन्होंने फिर लिखा भी होता है कि हम आपको ये मेडिसिन देंगे, राइट, और इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देखिए हम आपको नीचे अपने क्लाइंट्स की फ़ोटो दिखाते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया था। तो वो अपनी जो चीज़ बता रहे हैं उसके साथ प्रूफ भी रख रहे हैं, आपको कन्विंस कर रहे हैं, राइट, दे आर मेकिंग यू बिलीव समथिंग, राइट। जो मैं बोल रही हूँ मैं आपका भी उसके ऊपर विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आपको पर्सुएट करना चाह रही हूँ, राइट। तो इसको बोलते हैं हम पर्सुएसिव राइटिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने मैं कोई चीज़ रख रही हूँ बस दैट्स इट, नहीं, मैं रख रही हूँ और साथ ही साथ जो मैं चीज़ लिखी है उसको मैं सपोर्ट करने के लिए कुछ, जैसे मैंने लिखा ना कि हमारे यहाँ जैसे एडवर्टीजमेंट दे रहे हो कि मोटापे से छुटकारा पाइए, नीचे आपने उन लोगों की फ़ोटोज़ भी लगा दी जिन लोगों ने आपकी कंपनी के प्रोडक्ट खा के वेट लूज़ किया है, तो एक रीजनिंग और फैक्ट्स भी आपने दे दिए हैं ताकि जो रीडर है उसको आपकी बात के ऊपर 100% विश्वास हो जाए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आप देखते हैं उसमें भी कन्विंस करने की कोशिश की गई होती है, स्पीचेस, कोई नेता भाषण दे रहा है तो वो भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। एडवर्टीजमेंट्स आप पढ़ेंगे उनमें भी कन्विंस किया जाता है, राइट। तो वही है जैसे कि एग्जाम्पल, कन्विंस करते हैं हम समवन टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है, बाय गिविंग सम जस्टिफिकेशन और प्रूफ। तो एडवर्टीजमेंट में, स्पीचेस में, एडिटोरियल्स में किस टाइप की राइटिंग होती है? पर्सुएसिव। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है, जैसे आप अपनी कोई स्टोरी बुक पढ़ते थे तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता था, कोई नॉवेल पढ़ते थे, कोई पोएट्री पढ़ती थी उसमें जैसे अगर रात का समय है तो पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि चांदनी रात है, राइट, और जानवरों की आवाज़ें, छोटी छोटी आवाज़ें, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, घोर सन्नाटा है, राइट। तो इस टाइप से आप रात का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। तो इस ये स्टाइल ऑफ राइटिंग कहाँ मिलता है? स्टोरी बुक्स में या नॉवेल्स में, ठीक है। तो दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, आप कोई एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, राइट, उसकी आंखें, राइट, झील जैसी हैं एंड उसके हेयर नागिन के जैसे लंबे लंबे काले हेयर हैं। तो इस टाइप के चीज़ें यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट अ पर्सन, ठीक है, यू आर डिस्क्राइबिंग दैट पर्सन, तो वो हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। या किसी प्लेस के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जगह बहुत ही सुंदर है, नेचर बहुत ही नेचर एट इट्स बेस्ट है उस प्लेस में, ठीक है, तो आप इस टाइप से प्लेस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या कोई इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो शाम बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो बन जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। तो अब आप बोलोगे मैम एक्सपोजिटरी स्टाइल में भी तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट, याद करो जो हमने एक्सपोजिटरी स्टाइल किया ऊपर वो भी तो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में भी एक्सप्लेन करना है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो देखते हैं, द एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोथ एंटेल डिस्क्राइबिंग व्हाट इज बीइंग रिटन अबाउट, ठीक है, दोनों में एक्सप्लेन हो रहा है, बट डिस्क्रिप्शन में ना आप ज़्यादा डिटेल्ड, पर्सनल और सब्जेक्टिव हो जाते हो। सब्जेक्टिव मतलब आप अपने थॉट्स भी बीच में डालते हो, राइट, कोई मुझे रात का सीन एक्सप्लेन करना है तो मैं अपने दिमाग से भी कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हूँ, राइट। बट एक्सपोजिटरी स्टाइल में आप डिस्क्राइब तो करेंगे बट आप अपने थॉट्स उसमें नहीं डाल सकते, आपको जो चीज़ हुई है एज इट इज़ उसको क्या करना है, सामने वाले को एक्सप्लेन करना है, ओके। तो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में आप अपने पर्सनल थॉट्स भी रख सकते हैं, डिस्क्राइब करते समय जब आप लिख रहे हैं किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं। इट इज़ विविड। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल क्या होता है? विविड बहुत वास्ट होता है, यूजेस फिगर्स एंड स्पीच एंड ऑफ फिगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, एंड अलाउज रीडर टू सेंस, सी एंड फील एवरीथिंग दैट अ पर्टिकुलर फिनोमेना इवोक्ड इन द राइटर। जो भी मेरे अंदर चल रहा है मैं उसको कागज पे उतार सकती हूँ, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल कहाँ चल सकता है? पोएट्री में है, नॉवेल्स में है, या ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग मतलब आप ट्रैवल करके आए हैं, आप बुक लिख रहे हैं, राइट, जहाँ जहाँ आप ट्रैवल करके आए हैं उसके ऊपर बुक लिख रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली अपने थॉट्स भी डालेंगे कि आपको उस जगह के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा लगा, तो ऑल दिस कम्स अंडर राइट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग।
आप एक और स्टाइल है नैरेटिव स्टाइल. नैरेटिव स्टाइल इज अबाउट स्टोरी टेलिंग और नैरेटिंग अ टेल कंप्लीट विद कैरेक्टर्स एक्शंस डायलॉग प्लॉट एंड सेटिंग. अब आप बोलोगे मैम इससे पहले आपने पढ़ाया था दिस डिस्क्रिप्टिव स्टाइल. यहां पे भी तो हम बच्चों को स्टोरी बना लिख रहे थे राइट. अगर मैं स्टोरी लिखूं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होगा. तो ये नैरेटिव क्या हो गया? नैरेटिव होता है जैसे आप शेक्सपियर के प्ले पढ़ते हैं, कोई ड्रामा पढ़ते हैं राइट. उसमें आप कैरेक्टर्स को नरेट करते हैं उस राइट. आप पहले कोई शेक्सपियर का कोई भी कैरेक्टर आप उठा लीजिए, या आप कोई भी रामायण या महाभारत में कोई भी आप कैरेक्टर उठा लीजिए. जैसे आप भगवान राम जी का कोई कैरेक्टर राइट, भगवान राम जी का कैरेक्टर आपने लिया एंड उनके एक्शंस आपने बोले, उनके डायलॉग्स बोले राइट. प्रॉपर प्लॉट के बारे में आपने क्या राइट क्या प्लॉट था, क्या सेटिंग थी ठीक है. राम जी वनवास पे जा रहे हैं राइट एंड पूरा अयोध्या रो रहा है ठीक है. राम जी के डायलॉग भी आप साथ में बोल रहे हैं, तो वो होता है नैरेटिव स्टाइल. नैरेटिव स्टाइल मतलब जहाँ पे पूरे एक्शंस भी हैं, डायलॉग्स भी हैं, पूरा प्लॉट का सेटिंग भी आप लिख रहे हैं, तो वो हो जाता है नैरेटिव स्टाइल. तो जब भी आप प्लेज लिखते हैं, प्लेज राइट, कोई भी नाटक राइट, प्लेज लिख रहे हैं राइट, तो उसमें कौन सा स्टाइल चलता है? नैरेटिव. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैरेटिव एंड दिस डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव में आप बस एक कहानी लिख देते हैं ठीक है, अपने थॉट्स वगैरह डाल के. बट जब आप कोई ऐसा प्ले लिख रहे हैं जिसमें पूरे डायलॉग्स भी बोले जा रहे हैं राइट, राइट डायलॉग्स भी बोले जा रहे हैं, पूरे प्लॉट की सेटिंग आप बता रहे हो कि इस समय पीछे ये सब दिख रहा है राइट, और कैरेक्टर आगे आ रहा है और उसका डायलॉग ये है, तो वो क्या हो जाता है फिर? नैरेटिव स्टाइल. ओके, इट इज यूजुअली फिक्शनल, जनरली फिक्शनल होते हैं. फिक्शनल मतलब काल्पनिक राइट. प्लेस जो बनते हैं वो काल्पनिक होते हैं, बट कभी कभार नॉन फिक्शनल भी होते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं ठीक है. नॉन फिक्शनल मतलब ट्रूथ राइट. एज वेल इफ इट डिपिक्ट्स रियल लाइफ इवेंट्स एंड स्टोरीज ठीक है. इट कैन बी नॉन फिक्शनल एज वेल, रियल वास्तविक से भी रिलेटेड हो सकते हैं राइट. अगर आप किसी रियल लाइफ इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं राइट, पूरे कैरेक्टर्स के साथ, उनके डायलॉग्स के साथ किसी रियल लाइफ सिचुएशन को पोर्ट्रे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो भी वो भी किस में आएगा? नैरेटिव स्टाइल में आएगा ठीक है. तो नैरेटिव स्टाइल में बेसिकली क्या है, आप कहानी बता रहे हैं बट साथ ही साथ आपके कैरेक्टर्स का भी, उनके एक्शंस, उनके डायलॉग्स, वो सब चीज़ों के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? नैरेटिव स्टाइल. ओके, आप नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंस है देखो. डिस्क्रिप्टिव में था जहां पे आप कहानी लिख रहे थे और आप अपने पर्सनल थॉट्स भी डाल रहे थे ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव में ऑथर पेंट्स अ पिक्चर, दे वांट यू टू सी व्हाट दे सी ठीक है. मैं ना एक पिक्चर पेंट कर रही हूं आपके सामने, जो मैं बिलीव करती हूं, मैं चाहती हूं कि आप भी उन्हीं सब चीजों को बिलीव करो ठीक है. जबकि नैरेटिव स्टाइल में मैं आपके माइंड वॉश नहीं कर रही हूं, जो चीज है मैं एज इट इज आपके सामने रख रही हूं ठीक है. तो नैरेटिव में यू ओनली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं ठीक है. जबकि डिस्क्रिप्टिव में आप वो एक्सप्लेन करते हैं जो आप फील करते हैं. ओके, आपको लगता है कि हाँ ये चीज सही है, मुझे लगता है कि ये सही है, तो दूसरे लोगों को भी मैं इस चीज पे बिलीव कराऊं कि ये चीज सही है ठीक है. नैरेटिव स्टाइल में नो प्लेस फॉर योर ओन आइडियाज, आप अपने थॉट्स या अपने आइडियाज नहीं डाल सकते हो. जबकि डिस्क्रिप्टिव में मैं क्या कर रही हूं, आई एम ओनली डिस्क्राइबिंग व्हाट आई सी और व्हाट आई फील. मैं कोई कहानी बना रही हूँ और लोगों के सामने जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो कहानी में लिख के दूसरों के सामने रख दिया राइट. अब
वो कोई रियलिटी से रिलेटेड थोड़ी ना है जो कि लोग मुझे क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपने ये क्या लिख दिया. नहीं, राइट. नैरेटिव में जैसे मैं रामायण लिख रही हूँ, राइट, तो ऑब्वियसली मैं अपने थॉट्स नहीं डाल सकती हूँ, राइट. मैं कोई, क्योंकि यहाँ पे मुझे रामायण के कैरेक्टर्स के बारे में बताना है सब कुछ, राइट. वो कैसे थे, राइट, उनकी क्या फीचर्स थे, हाउ गुड देवर, मुझे उनके बारे में डिस्क्राइब करना है. तो मैं अपने थॉट थोड़ी ना डाल सकती कि नहीं नहीं इसको ऐसा होना चाहिए था, ठीक है. तो नहीं, मुझे जो है उनको एज इट इज़ उनके बारे में बताना है लोगों को. तो वो हो जाता है आपका नैरेटिव स्टाइल, ठीक. जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में आप अपने जो थॉट है वो डाल सकते हैं, राइट. लोगों को भी वो चीज़ आप बिलीव करा सकते हैं जो आपको लगता है कि सही है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग. एक गुड बिजनेस राइटिंग में, अब क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, राइट, सब्जेक्ट का नाम भी हमारा बिजनेस करेस्पॉन्डेंस है, तो हम देखेंगे कि बिजनेस में जब आप लिखते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या फीचर होने चाहिए प्रेजेंट. तो पहला है क्लियर पर्पस. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं लिख रही हूँ वो क्यों लिख रही हूँ, पर्पस क्या है, व्हाई, व्हाट डू आई वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है. क्लैरिटी ऑन कंसाइसनेस, राइट. जब भी आप लिखो कोई चीज़ तो क्लियरली लिखो और शॉर्ट लिखो, कोशिश करो रिपीटेशन ना हो, ठीक है. अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स बार बार रिपीट ना हो. अगर रिपीट होना ही है तो उस वर्ड का कोई दूसरा मीनिंग, जैसे लव है, लव का जैसे, राइट, लव लगा लो, या जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे हैप्पी है, तो बार बार हैप्पी लिखने की जगह मैं बीच में जॉयफुल भी लिख सकती हूँ, ठीक है. तो आप वर्ड्स चेंज करते रहिए, ताकि, क्योंकि लिखने में क्या होता है, दूसरा बंदा आपकी वो चीज़ पढ़ेगा, और अगर आप एक ही वर्ड बार बार यूज़ करेंगे तो दैट वुड बिकम मोनोटोनस, इट वुड बिकम बोरिंग, राइट. तो क्लियर मैसेज विल सेव टाइम एंड मनी. आपका मैसेज अगर क्लियर है तो इट विल सेव टाइम एंड मनी. सामने वाले को अगर आपकी लिखी हुई चीज़ समझ आ गई तो उससे सामने वाले का टाइम भी बच गया, ऑब्वियसली टाइम इज़ मनी, ठीक है. तो अगर उसको समझ नहीं आएगा तो वो आपको फिर से बोलेगा कि मुझे आपका रिटर्न कम्युनिकेशन समझ नहीं आया है, आप प्लीज़ एक और बार लिख के भेजिए. तो आपका भी तो डबल टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, पैसा वेस्ट होगा आपका, राइट. पहले लिखोगे, फिर उसके बाद पोस्ट कराओगे फिर से, राइट. तो वही है, आपके जो भी आप लिख रहे हो वो क्लियरली लिखो, ताकि सामने वाले को एक ही बार में समझ आ जाए, ठीक है. जब आप लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप उसी हिसाब से अपनी राइटिंग को चेंज करेंगे. अगर बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से आप लिखेंगे, स्टोरीज वगैरह, राइट. सुटेबल टोन. अब आप बोलोगे मैम टोन तो बोलते समय होता है, तो लिखते समय ये टोन का क्या काम है, लिखते समय टोन का क्या काम है. टोन मतलब राइटर का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है. लिख रिटर्न वर्क में भी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो हो सकता है किसी पर्सन की राइटिंग, किसी ऑथर की राइटिंग आपको, राइट, उसने क्या लिखा हुआ है, क्या मटेरियल है, उससे आप बहुत इंप्रेस हो जाओ, राइट. तो चॉइस ऑफ वर्ड्स मेड बाय रीडर हैज़ मच इम्पैक्ट ऑन रीडर, ठीक है. कोई कोई चीज़ आप पढ़ते हो तो आपको एक कनेक्शन सा फील होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए. कोई कोई चीज़ आप पढ़ते हो बट यू कैन नॉट कनेक्ट टू इट, राइट, बिकॉज यू डोंट फील लाइक, इसका मतलब वो राइटिंग उतनी इम्प्रेसिव नहीं है. राइट. तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सुटेबल टोन मतलब आप किस टाइप का कंटेंट लोगों को दे रहे हैं. अप्रोप्रिएट फॉर्मेट. आप जब आप लिखते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका होता है. जैसे कि आप ऐसे लिखते थे तो ऐसे का प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है. रिपोर्ट्स, जब आप कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट का लिखने का तरीका अलग होता है. लेटर्स लिखते हैं, राइट. जब आप स्कूल के लिए लेटर लिखते थे, याद करो बचपन में आप छुट्टी लेते थे तो प्रिंसिपल को लेटर लिखते थे लीव का, तो टू द प्रिंसिपल, फिर नीचे स्कूल का नाम, फिर नीचे लिखते थे सब्जेक्ट का नाम कि सब्जेक्ट ये कि जो ये नीचे लिख रही हूँ मैं एप्लीकेशन, ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है. फिर लिखते थे डियर सर और मैम आई विल बी टेकिंग लीव फॉर टू डेज, राइट. फिर उसके नीचे आप अपना नाम लिखते थे, लास्ट में डेट लिखते थे. तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका था, राइट. तो सब जगह आप अलग अलग फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक.
पर्सनल ओपिनियंस और इमोशंस, अगर आप बिजनेस लेटर्स लिख रहे हैं तो पर्सनल ओपिनियंस आप नहीं डालेंगे, बट अगर डालना भी पड़ रहा है, इवन इफ यू आर पुटिंग देम, तो दे शुड बी डन इन अ सेटल वे, राइट? थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे, राइट? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिजनेस की बात में आप अपनी बात भी डाल रहे हैं, राइट? तो अगर आप रख भी रहे हैं तो इस तरीके से डालें कि सामने वाले को वो क्या आप इस तरीके से डालें कि सामने वाला उस चीज को मतलब ये सोचे कि वो एक बिजनेस लेटर का ही एक पार्ट है, राइट? तो ये था आपका राइटिंग. इट वॉज वेरी सिंपल चैप्टर. हम थोड़ा सा बुक की तरफ चलते हैं. इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग. तो इन्होंने लिख दिया है, ये सब आपके सामने दे रखा है, मैं आपको ये सब समझा भी चुकी हूँ, आप एक बार बस रीड मार लीजिएगा इसको. एक्सपोजिटरी स्टाइल कहाँ फॉलो होता है, वही जो मैंने बताया. एक्सपोजिटरी मतलब एक्सप्लेन करना या किसी चीज़ को आप एक्सपोज कर रहे हैं, राइट? तो एक्सपोज कहाँ किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में ना, राइट? तो कोई न्यूज़पेपर्स में या कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में, राइट? या कोई आप खाना बनाने का प्रोसेस किसी को समझा रहे हैं, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग, राइट? वेयर यू आर एक्सपोजिंग समथिंग. जैसे ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर मैं लिखूंगी तो दैट विल कम अंडर एक्सपोजिटरी राइटिंग. तो आपने ताजमहल के ऊपर लिख दिया कि पहले वो एक इम्प्रेसिव मेजोलियम है, बिल्ट इन वाइट मार्बल बाय मुगल एम्परर शाहजहां, राइट? अपनी वाइफ की मेमोरी में ताजमहल बनाया था. इट कंस्ट्रक्शन 1631 में स्टार्ट हुआ था, 20 ईयर्स लगे थे कंप्लीट होने में, राइट? एंड वो हमारी हेरिटेज साइट में भी, राइट? विश्व के, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से भी एक वंडर कौन सा है, ताजमहल है, ठीक है? फिर आप उसके स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन अलग पैराग्राफ में देंगे, ठीक है? वो वाइट मार्बल है, क्या क्या वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? इस टाइप से आप ताजमहल के बारे में बताएंगे. तो ये आपकी राइटिंग है, राइट? तो राइटिंग स्किल वही है, आपका मटेरियल प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए. ये नहीं लगना चाहिए कि कोई पॉइंट ऊपर आ रहा है, उसी से दूसरा पॉइंट रिलेटेड 5-6 पैराग्राफ बाद आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक जैसी चीजें एक पैराग्राफ में आनी चाहिए, ओके? फिर है पर्सुएसिव राइटिंग, जहाँ पे आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी को कन्विंस कर रहे हैं ताकि वो आपकी बात पे बिलीव करे, राइट? जैसे जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो उससे पहले क्रिटिक्स के रिव्यू पढ़ते हैं, तो क्रिटिक्स के रिव्यू पढ़ के आप, क्रिटिक ने लिखा है कि फिल्म बहुत ही गंदी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट? तो आपके माइंड में भी कहीं आ जाएगा, आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ मुझे भी फिल्म नहीं देखनी है, तो आपका माइंड चेंज हो गया ना. इसका मतलब वो स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसी थी, पर्सुएसिव, आपके माइंड को पर्सुएट कर लिया है, चेंज कर लिया है, ठीक है? जैसे सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज, राइट? आप पढ़ रहे हैं कि मोबाइल का यूज़ तो करें बट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो आपने पढ़ लिया, आपने लिख दिया मोबाइल फोन हैज़ बिकम एक्सटेंशन ऑफ अवर पर्सनालिटी, इट फंक्शंस नॉट ओनली एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट हम वॉच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. मोबाइल में कैलेंडर भी होता है, कैलकुलेटर भी होता है, म्यूजिक डायरी भी होती है, तो उसने कई सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है? बट साथ ही साथ ये थ्रेड भी हो गया है, क्योंकि लोग फोन में इतना बिजी होते हैं दैट व्हीकल सीम टू हैव गॉन वे आउट ऑन द रोड, ठीक? कई बार लोग कान में हेडफोन लगा के चलते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सामने से कौन आ रहा है, पीछे से हॉर्न नहीं सुनाई देता है, राइट? उसके बाद आपने लिख दिया कि उसके कई सारे हेल्थ रिस्क भी हैं, ठीक है? इतनी यूवी कई सारी हार्मफुल रेज उससे निकलती हैं, राइट? जिससे आपको कैंसर हो सकता है, इसलिए वी शुड कीप इट अवे फ्रॉम अवर बॉडीज, ठीक है? कोशिश करना चाहिए कि स्पीकर पर डाल के बात करें, कान के पास फोन ना ले जाएं, ठीक? तो इस तरीके से आपने लोगों को वॉर्न कर दिया है. फिर आपने लिखा टॉकिंग ऑन द फोन एंड वॉकिंग, वेल एवरीवन डज इट बट द रिस्क इज हाई, वी आर सो एंग्रोस्ड इन अवर टॉक दैट इफ वी फेल नोटिस ऑन कमिंग ट्रैफिक, पॉट होल्स, कोई गड्ढा आ गया है, राइट? या कोई रुकावट आ गई है, ठीक है? तो उससे हमारी क्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक? इज अवर लाइफ सो चीप एंड वर्थलेस. अब राइटर आपसे पूछ रहा है जिसने आर्टिकल लिखा है, आप जब पढ़ रहे हैं तो वो लिख रहा है इज अवर लाइफ सो चीप एंड वर्थलेस, क्या हमारी लाइफ इतनी सस्ती है कि हम बस एक मोबाइल के चक्कर में उसे गवा दें, राइट? ठीक, दैट वी रिस्क इट एवरी डे जस्ट बिकॉज वी फेल टू चेंज अवर हैबिट्स, वाई कांट वी जस्ट पुल ऑफ द रोड,
टू टॉक ऑन द फोन और सिट एंड कॉन्वर्स इन पीस विद अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली और कीप द फोन अवे फ्रॉम अस व्हेन वी स्लीप और टॉक टू अदर्स. बीइंग सेफ इन एनी डे इज बेटर देन हैविंग कैंसर, गेटिंग इंजर्ड और इवन डाइंग जस्ट टू टॉक. सो फ्रेंड्स प्लीज बी सेफ ऑलवेज. तो ये राइटिंग स्टाइल कैसा है कि राइटर आपको कन्विंस करना चाह रहा है, लास्ट में वो खुद आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमारी लाइफ इतनी सस्ती हो चुकी है, राइट? तो वो आपका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो जाता है पर्सुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग. डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल ओपिनियन भी डाल रहे हैं, ठीक. डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक्शन, पर्सन, इवेंट, किसी इवेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, अब वही है, अगर आपको फाइंड आउट करना है एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव में क्या डिस्क्रिप्शन डिफरेंस है, तो एक्सपोजिटरी क्या होता है, जहाँ पे आप रियलिटी के बारे में एक्सपोज कर रहे हो. डिस्क्रिप्टिव वो होता है जहाँ पे आप ओन इमोशंस भी डाल सकते हो जब आप लिखते हो, ठीक है. और एक्सपोजिटरी में आप सिर्फ रियलिटी की चीज के ऊपर लिखते हो, अपना आपका कोई पर्सनल ओपिनियन आप नहीं डालते हो, ठीक. तो एक्सपोजिटरी राइटिंग इज इम्पार्शियल, आपका कोई थॉट उसमें शामिल नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. जबकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक थोड़ी पर्सनलाइज होती है, आप अपना मन से जो आपको डिस्क्रिप्शन लगता है वो डिस्क्राइब आप करते हैं. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जैसे मुझे रात का सीन डिस्क्राइब करना है कि रात सुनहरी रात है, ठीक है, और भाव राइट, और मुझे एक रात का सन्नाटा फैला हुआ है, ठीक है, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं और धीरे धीरे ये आवाज़ें तेज हो रही हैं, तो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ एक नाइट का सीन, ठीक है. तो जिससे जब रीडर उसे रीड करेगा तो कहीं ना कहीं उसको एक थोड़ा सा डर लगेगा उस सीन से, तो एक कैप्टिवेट राइट रीडर को मैं अट्रैक्ट कर रही हूं, राइट. तो वो कौन सा स्टाइल होता है, डिस्क्रिप्टिव, जहां पे मैं अपने पर्सनल थॉट्स भी डाल रही हूं व्हाइल राइटिंग. तो पोएट्री हो गई, डायरीज हो गई, नॉवेल्स हो गए, ट्रैवलॉग्स हो गए, वो सब डिस्क्रिप्टिव में फॉल करते हैं. जैसे द टनल, आपको इसके ऊपर लिखना है टनल के ऊपर. अब जब बस टनल के अंदर से होकर गुजरती है, राइट, तो सपोज करो मैंने दो लोगों को दे दिया है कि आपको डिस्क्राइब करना है कि जब बस टनल से होके गुजरती है तो क्या आपको लगता है, अब आप फील कर, अब आप लिखिए, तो ऑब्वियसली दोनों पर्सन का जिक्र अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि फीलिंग डिस्क्राइब करनी है ना आपने, राइट, डिस्क्राइब करना है अपने हिसाब से, तो दोनों पर्सन की मटेरियल में डिफरेंस होगा, राइट. तो जैसे लिखा, आई पास थ्रू एन एरिया वेर द ट्रीज क्लोज्ड अ कवर अबव माई हेड एंड ओवर द रोड, द शेड फेल, टनल में शेड हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और ठंडा हो जाता है. ऑन माई एक्सपोज आर्म्स लाइक अ कोल्ड ब्लैंकेट, नॉट बींग इन डायरेक्ट सनलाइट, फोकस माई अटेंशन बैक टू माई सेल्फ, माई ब्रीदिंग वॉज एलिवेटेड, माई चेस्ट रेज जस्ट अ लिटिल मोर दैन यूजल ऑन ईच ब्रेथ, माई हैंड्स वर क्लैम्प्ड इन अ टाइट ग्रिप अराउंड बोथ हैंडल बार्स, मैंने टाइटली हैंडल बार्स पकड़ लिए, राइट, एंड द विज ऑफ माई टीयर्स वॉज ड्राउंड out slightly by the constant moving air passing by my ears. Of course this all vanished. ये सब ठीक है, ये सारी फीलिंग उसने बताई. फिर उसने बताया जैसे ही टनल खत्म हुआ वैसे ही ये सब चीज़ें क्या हो गई, वैनिश हो गई. जो फीलिंग अभी तक मुझे हो रही थी वो अब नहीं हो रही है, राइट. और अगर यही टनल का मैं दूसरे बंदे का डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ तो वो अलग हो सकता है, ठीक. तो बेसिकली जो राइटिंग है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, ये कहाँ पे काम आती है, जहाँ पे ऑथर का, मतलब जहाँ पे जो बंदा लिख रहा है उसका पर्सनल ओपिनियन भी चल सकता है, वहाँ पे हम फॉलो करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग. परफेक्ट समर हॉलिडे होम, राइट, समर की बात कर रहे हैं. आप बचपन में छुट्टियों में दादी नानी के घर जाते थे समर्स में की वेकेशंस को स्पेंड करने, तो अगर मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोलूँ उस चीज़ को तो सबका डिस्क्रिप्शन अगेन अलग अलग होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे अगेन वी आर फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग. दूसरा है नैरेटिव, मैंने बताया नैरेटिव में आप क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल में जा रहे हैं, कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी बोल रहे हैं, उनके एक्शंस भी करके एक्शंस भी लिख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, राइट, उनके डायलॉग्स भी आप लिख रहे हैं, राइट, पूरा डिटेल में आप एक प्ले, एक नाटक, राइट, प्ले के बारे में लिख रहे हैं, ठीक.
वैसे जनरली नाटक होते हैं इमेजिनेशन पे बेस्ड, बट रियल में रियल भी हो सकते हैं। अब नैरेटिव स्टाइल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, राइट? एक तो प्रॉपर आपके कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए, राइट? स्टोरी का प्लॉट प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी स्टोरी वीक है, राइट? विविड एंड वाइब्रेंट, द सेटिंग हैज टू बी विविड एंड वाइब्रेंट। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि जब आपका वो प्ले, जो आपका वो नाटक आपने लिखा हुआ है, जिसमें कैरेक्टर्स भी के आपने नाम दिए हैं, उनके डायलॉग्स लिखे हैं, तो रीडर को लगना चाहिए कि मैं उसी वर्ल्ड में पहुंच चुका हूं, ठीक है? थीम ऑफ द नरेशन मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। डू नॉट ट्राई टू कन्वे टू मेनी मैसेजेस इन वन नरेशन, राइट? स्टेट योर पॉइंट ऑफ व्यू ल्यूसिडली, क्लियरली स्टेट करें जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, राइट? इंक्लूड डायलॉग। अब आप किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो सिर्फ उस पर्सन का जिक्र मत कीजिए, बीच बीच में उसके डायलॉग भी डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपने लिखा हुआ है वह क्या हो जाएगा, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा रीडर्स के लिए, ओके? Incorporating anecdotes, especially in oral narration, is an effective device in building curiosity and holding attention of hearers or readers. जब भी आप कोई लिखें तो आप कोई छोटी पुरानी कहानी वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है? ताकि एक ना रीडर को एक इंटरेस्ट बना रहे, वो आपका मटीरियल रीड करे, क्योंकि रीडिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क, कुछ कुछ लोगों के लिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? तो हाउ टू मेक देम रीड, तो कैसे आप उनसे अपना बुक रीड करवाएंगे? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दें, ताकि सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट उसके ऊपर बने, ऑलराइट? दैट ही शुड फील लाइक रीडिंग, ओके? यूजिंग मेटाफॉर्स एंड स्माइल एड्स टू ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच आउटपुट इन द शुगर एंड स्पाइस इन द स्टोरी लाइन, राइट? इमेजिनेटिव लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, राइट? इमोशनल अपील भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? डिटेल्ड एंड इलेबोरेट। कभी कभार क्या होता है, मैं कोई प्ले पढ़ती हूँ तो मुझे एक कैरेक्टर के साथ सहानुभूति हो जाती है, या मुझे उस कैरेक्टर के साथ एक रिलेशन सा फील होने लग जाता है, राइट? तो ये सब क्या है, लिखने का ही तो एक उसका तरीका है राइटर का, कि मैं उसके कैरेक्टर्स के साथ क्या करने लगी हूँ, फील करने लगी हूँ, मैं एक बिलोंगिंगनेस आने लग गई है, कि मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर सबसे अच्छा है, ये मेरे जैसा है, राइट? तो नॉवेल्स में, लीजेंड्स में, ऑटोबायोग्राफीज में, राइट? किसी पर्सन की ऑटोबायोग्राफी आप लिख रहे हैं, बायोग्राफीज लिख रहे हैं, राइट? कोई सॉन्ग्स लिख रहे हैं या पर्सनल एसेज लिख रहे हैं, राइट? तो इन सब में आप कौन सा कर रहे हैं, नैरेटिव स्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं। लाइफ एट क्रॉस रोड्स, तो आप नरेट करेंगे कि लाइफ एट क्रॉस रोड्स कैसी है, ठीक है? जब भी आपको कोई नरेशन देना होता है, किसी चीज का जिक्र करना होता है, तो दैट इज नैरेटिव राइटिंग, ठीक है? कि आई स्टूड एट द क्रॉस रोड्स वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड, राइट? मुझे क्रॉस करना था तो मैं वेट कर रहा था। अ ग्लीमिंग स्लीक रेड कलर्ड ऑडी स्टैंडिंग आउटसाइड एन अपार्टमेंट ब्लॉक ड्रू माई आईज, ठीक है? फिर एक सामने अपार्टमेंट था जहाँ पर रेड कलर की ऑडी कार खड़ी थी, उससे वो मेरा ध्यान वहाँ गया। एज आई वॉज एडमायरिंग द कार इट्स ओनर एमर्ज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, ठीक है? जब मैं कार को देख रहा था तो उसको ओनर भी आ गया। ही वॉज अ हैंडसम यंग मैन, उसने ग्रे कलर का सूट पहना था, क्रिस्प वाइट शर्ट पहनी थी, लाइट पिंक टाई पहनी थी, विथ परफेक्ट एडोनिस लाइक फीचर्स, स्वेप्ट बैक हेयर, राइट? हेयर अच्छे से कोम्ब थे उसके, इमैक्यूलेटली ग्रूम्ड, राइट? वो पर्सन प्रॉपरली ग्रूम्ड लग रहा था। ही वॉज अ सिनोजर ऑफ मेनी आईज, राइट? मतलब ही वॉज अ बेसिकली ट्रीट टू आईज, राइट? इट वॉज ट्रीट टू वॉच हिम। He was the epitome of sophistication, youth and wealth. ठीक है, वो पूरा एक जीता जागता मिसाल थी कि sophistication में नजर आ रहा था, young भी था and wealthy भी था, right? My gaze straight to the corner where a fruit vendor was laying out his produce. फिर मेरी नज़र सड़क में पड़ी, सड़क के किनारे एक फ्रूट वेंडर बेचा था, अपना प्रोडक्ट बेच रहा था। The care with which he polished the apple, वो इतने अच्छे से पॉलिश कर रहा था अपने एप्पल्स को, कपड़े से साफ कर रहा था। Mangoes and pears was a pleasure to behold, right? वो सीन देखने वाला बनता था, right? द
नॉट सो परफेक्ट वंस वर हिडन, जो अच्छे सेब नहीं थे वो उसने नीचे छुपा दिए, जबकि ग्लोइंग ग्लोइंग उसने बाहर रख दिए डिस्प्ले एट द टॉप. ठीक है. अ लेडी स्टॉप बाय टू परचेज सम एप्पल्स, एक लेडी रुकी कुछ एप्पल्स खरीदने के लिए, फिर वहाँ पे बार्गेनिंग चली, फिर कॉम्प्रोमाइज़ के बाद आफ्टर रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ उसने रेट उसने तय कर लिया, फिर उसने एप्पल सेलेक्ट करने की कोशिश करी. ठीक है. फिर मैंने देखा कि सेलर ने बीच से उठा के, होता है ना दुकानदार एक सड़ा हुआ एप्पल डाल ही देता है कैसे ना कैसे. ठीक है. आई सॉ द विली फ्रूट सेलर स्लाइड इन अ ब्रूज्ड एप्पल, आई स्माइल एज आई लुक्ड ऑन एट द पेरेनियल बिजनेसमैन. ठीक है. तो इस टाइप से आप सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं आप डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके. राइटिंग से क्या होता है, ऑब्वियसली आप जितना अच्छा लिख सकते हैं इसका मतलब आप उतने अच्छे तरीके से सामने वाले को अपनी चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक. आपको मटेरियल लर्न हो जाता है, कोई भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं दो तीन बार बोलने से अच्छा है एक बार लिख लें तो वो आपको याद हो जाएगी. ठीक है. तो आपको अपना, जब आपने कोई चीज़ पढ़ी फिर आपने बुक बंद कर दी, अब आप उस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, तो उससे ना आपको ये भी पता चल जाएगा लिखने से कि मैंने कितना लिखा है. आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा था क्या वाकई में वो मुझे याद है या नहीं है, तो आप अपने आप को असेस कर पाएंगे. ठीक है. क्रिएटिव, ऑब्वियसली जब आप लिखते हैं तो क्रिएटिविटी भी आती है. आप डायरी राइटिंग जब आप करते हैं, डायरी लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप डायरी लिखते हैं तो आपके ना धीरे धीरे राइटिंग स्किल्स अपने आप इम्प्रूव होती जा रही हैं. ठीक है. और लिखने से आपको वो चीज़ फ्यूचर में भी आप रिटेन करके रख सकते हैं वो पीस ऑफ पेपर, और उससे आप और राइट लिखने से आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ आती है. और आज के डेट में तो यार अगर आप गुड राइटर हैं तो आपका करियर भी अच्छा है, क्योंकि जॉब्स वगैरह में भी उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है जिनका राइटिंग राइट अच्छी है. राइटिंग अच्छी मतलब सुंदर राइटिंग नहीं, अक्षर गोल गोल अक्षर ऐसे नहीं. राइटिंग अच्छी मतलब क्या कंटेंट आप लिख रहे हैं, क्या चीज़ आप लिख रहे हैं, क्या जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो इंटरेस्टिंग इनफ है या नहीं है, राइट आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा है या नहीं है, वो सब चीज़ें. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस राइटिंग हम कर चुके थे. पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, शॉर्ट में आप एक्सप्रेस करेंगे, राइट. तो कुछ आपको प्रैक्टिस की एक्सरसाइज दी गई हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. अब इसके बाद हम प्रेसर राइटिंग करेंगे. चैप्टर 6 इज कम्प्लीट. चैप्टर 7 आपका प्रेसर राइटिंग है. चैप्टर 7 प्रेसर राइटिंग. प्रेसर मतलब कोई भी चीज़ को शॉर्ट करना, शॉर्टनिंग ऑफ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में कोई भी चीज़ को आप शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रेसर राइटिंग कर रहे हैं. प्रेसर गिव्स एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन आइडिया विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग. आपको कोई पैराग्राफ कोई टेक्स्ट दे दिया गया है 90 वर्ड्स का, राइट. अब आपको उसको शॉर्ट करना है, तो हम उसको बोल सकते हैं जब मैं कोई भी चीज़ को शॉर्ट करती हूँ, राइट, इसका मतलब वो मैं क्या कर रही हूँ, प्रेसर राइटिंग कर रही हूँ, राइट. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी मैं कोई चीज़ को शॉर्ट करती हूँ तो ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट करते समय इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस ना हो जाएं, राइट. तो जब भी आप कोई चीज़ को शॉर्ट करें तो इस तरीके से करें कि उस शॉर्ट में भी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें शामिल हों, राइट. इट इज़ एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट बट इन शॉर्ट. अब आप बोलेंगे मैम समरी राइटिंग भी तो ऐसे ही होती थी, किसी भी चीज़ को जब हम शॉर्ट करते थे तो उसको हम बोलते थे समरी राइटिंग, राइट, समरी लिखना. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी, देखते हैं. जब हम बहुत ही लंबे लॉन्ग पीस ऑफ वर्क को जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं समरी राइटिंग. ओके. कोई थीसिस हो गई, कोई मोटी सी नॉवल हो गई, उसको शॉर्ट करना, जब हम उसको शॉर्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं इसकी क्या लिख रही हूं, समरी लिख रही हूं, राइट. प्रेसे होता है कि कोई रिपोर्ट है, राइट, कोई 20 पेज की रिपोर्ट है, उसको शॉर्ट करके 5 पेजेस तक की करना, राइट, उसको बोलते हैं प्रेसी, राइट. या कोई आर्टिकल है उसको शॉर्ट करना है, उसको बोलेंगे प्रेसी. कोई चैप्टर है, बुक का कोई चैप्टर है, आप उस चैप्टर को शॉर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रेसी. ठीक है. तो प्रेसी में बेसिकली हम शॉर्ट चीज़ों को ही और शॉर्ट कर रहे हैं, समरी में हम बड़ी बड़ी चीज़ों को शॉर्ट करते हैं. ओके. प्रेसी फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द मटीरियल इन द ओरिजिनल. इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसी में क्या होता है,
कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट दिया गया है आपके सामने, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसको आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, जिसकी आपने प्रेसी लिखनी है, राइट right? तो ओरिजिनल टेक्स्ट सबसे ये दे रखा है, पहला पैराग्राफ, फिर अगला पैराग्राफ। तो जब आप प्रेसी लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आप इस पहले पैराग्राफ को शॉर्ट करेंगे, तीन लाइन का है आपने शॉर्ट करके एक लाइन में कर दिया, फिर अगले पैरा को शॉर्ट करेंगे, चार लाइन का है अगला पैरा आपने इसको दो लाइन में कर दिया, राइट right? तो ऑर्डर वही फॉलो हो रहा है, राइट right? जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जिस हिसाब से पैराग्राफ दे रखे हैं, मैं उसी हिसाब से प्रेसी में भी शॉर्ट कर रही हूँ, पहले इस पैरा को शॉर्ट करा, फिर इस पैरा को शॉर्ट करा, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो प्रेसी फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द मटीरियल इन द ओरिजिनल, ओके, उसी हिसाब से शॉर्ट किया जाता है जिस हिसाब से ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया होता है, राइट right? जबकि समरी में मैं ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ, राइट right? जो पैराग्राफ लास्ट में आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी समरी में पहले भी लिख सकती हूँ, ठीक है, तो मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, ठीक है। जब मैं टेक्स्ट को शॉर्ट कर रही हूँ तो इस ओरिजिनल टेक्स्ट का ही पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से भी चेंज कर सकती हूँ, ओके। तो इन समरी द राइटर इज़ फ्री टू चेंज द ऑर्डर इफ़ ही विशेज टू डू सो, ठीक है, अगर उसको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए ऑर्डर तो वो कर सकता है, बट प्रेसी में ऑर्डर वही होगा आपका, प्रेसी लिखने का, समरी लिखने का ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर ओरिजिनल टेक्स्ट में दे रखा है, ठीक है। प्रेसी में जब आप शॉर्ट करते हो तो आप अपना कोई भी आप अपना से या अपनी थॉट्स नहीं लिखोगे प्रेसी में, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप शॉर्ट किन चीज़ को कर रहे हो, कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को, आर्टिकल को, राइट right? शॉर्ट कर रहे हो, राइट right? तो आप उन्हीं चीज़ को शॉर्ट करोगे, आप अपनी तरफ से कोई अपना एडवाइस वगैरह नहीं लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। जबकि समरी में आप अपना भी जो आपको लगता है, जो आप फील करते हो, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रेसी में इट स्टेट्स ओनली द थॉट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, आप अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं डालोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। जबकि समरी में आप जब मटेरियल को शॉर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से भी एक दो चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक। क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी, एक गुड प्रेसी कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो भाई क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रेसी लिख रहे हैं, प्रेसे मतलब आपके पास लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, जब आप उसको शॉर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रेसे, राइट तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रेसे लिख रहे हैं तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये प्रेसे क्यों लिख रही हूँ, मैं उसको शॉर्ट क्यों कर रही हूँ, राइट तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलने में तो क्लैरिटी होनी ही चाहिए, राइट क्लैरिटी मतलब जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ सामने वाले को। तो ऑब्वियसली जब बोलने में क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से लिखने में भी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके तो जब आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली प्रेस आप मतलब शॉर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ को, लंबी चौड़ी चीज़ को शॉर्ट करते हैं तो कोशिश करेंगे शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, राइट कॉमन वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसका मीनिंग सबको पता हो, ठीक है। तो यू शुड नो द पर्पस ऑफ राइटिंग प्रेसी, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये प्रेसी क्यों लिख रहा हूँ। अगर आपको पता है ना कि मैं क्यों लिख रहा हूँ प्रेसी, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी और वही क्लैरिटी आपके लिखने में भी शो होगी, राइट अगली क्वालिटी है गुड प्रेसी की ऑब्जेक्टिविटी, मतलब मैंने आपको बताया प्रेसे मतलब जो चीज़ आपके सामने है आप उसको एज इट इज़ बिल्कुल उसी सीक्वेंस में शॉर्ट कर रहे हो और अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं डाल रहे हो, राइट कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को शॉर्ट करना है उसको मतलब उसको हम प्रेसे लिखेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को शॉर्ट कर रहे हैं अपना ओपिनियन तो नहीं डाल सकते ना कोई, राइट तो ऑब्जेक्टिविटी उसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो दिया है उसको एज इट इज़ शॉर्ट करो, नो पर्सनल ओपिनियन शुड बी इंक्लूडेड, ओके। तो वही है हाउ यू आर प्रेजेंटिंग यूर फैक्ट्स विदाउट बींग बायस्ड, आपको बायस नहीं होना है मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालना है, ठीक है। प्रेसे राइटिंग में जब आप प्रेसे राइटिंग करते हो तो आप थर्ड पर्सन की रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, राइट तो आप अपने आइडियाज या इमोशंस नहीं डालेंगे, ओके। अगला इज करेक्टनेस, ऑब्वियसली जब भी आप लिखते हैं
कुछ भी चीज लिख रहे हैं, प्रेसे लिख रहे हैं राइट, या फिर समरी लिख रहे हैं, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो यार वर्ड्स तो शुड बी करेक्ट, ग्रामर शुड बी करेक्ट, जो भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं वो भी करेक्ट होने चाहिए. कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब वेल निटेड जिसको बोलते हैं राइट, लॉजिकल होना चाहिए, क्लियर, जो भी आपने लिखा है वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड लगना चाहिए. ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं, आप ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं तो सिर्फ ताजमहल के का ही डिस्क्रिप्शन देंगे राइट. पहले आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि ताजमहल क्या है राइट, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, उसके बाद आपने ताजमहल की सुंदरता के बारे में बताया. ठीक है, उसके बाद आपने बताया कि ताजमहल की लोकेशन कैसी जगह पे है राइट. तो आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस में बताया और आपके वो जो आइडियाज थे सारे एक दूसरे से, जो सारे पैराग्राफ्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नजर आए राइट. कंप्लीटनेस, ऑब्वियसली आप लिखो तो आधा अधूरा मत छोड़ो. ठीक है, मेक श्योर कि, और एक और चीज, प्रेसे राइटिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज को शॉर्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट करते समय यू शुड नॉट ओमिट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ओरिजिनल हो सकता है ओरिजिनल टेक्स्ट में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हो, बट जब आपने उस टेक्स्ट को शॉर्ट करके लिखा तो वो आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दिया राइट. तो आपकी प्रेसे राइटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. ओके, फिर लास्ट में है कंसाइसनेस. कंसाइस मतलब शॉर्ट, तो प्रेसे शुड बी शॉर्ट और कंसाइस, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट करते समय इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ओमिट ना कर दें. कोशिश करिए शॉर्ट रहे बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे उसमें शामिल हो. ठीक है, प्रेसे राइटिंग प्रोसीजर, प्रेसे राइटिंग का क्या प्रोसीजर है, रीड द पैसेज केयरफुली. पैसेज को सबसे पहले, आपके पास एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई पैसेज दिया होगा उसको अच्छे से पढ़ें राइट. और कोशिश करें, ये मैंने लिखा है, पेंसिल लें और अंडरलाइन कर दीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स, साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहिए. ठीक है, डिसाइड करिए कि व्हाट फैक्ट्स इन द टेक्स्ट आर एसेंशियल, इस पूरे पैसेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है, फिर आपने वो पैसेज पूरा पढ़ लिया, पेंसिल से अंडरलाइन भी कर लिया है, अब आपको प्रेसे लिखना शुरू करना है. तो जब आप प्रेसे लिखेंगे तो पहले एक टाइटल जरूर डालेंगे. ठीक है, तो अगर आपने ऊपर जो सारा पढ़ा है वो साइंस के बारे में लिखा है कि साइंस की ये आविष्कार है, साइंस के ये नुकसान है, एटॉमिक बॉम्ब एंड ऑल राइट, तो आप नीचे टाइटल आपको अपने, देखो एग्जाम में क्या होगा, वो आपको सिर्फ पैसेज देगा. ठीक है, फिर लिखेगा राइट अ प्रेसी. तो आप प्रेसी जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आप आंखें बंद करके सोचेंगे कि क्या हेडिंग मैं दे सकता हूं. तो आप लिखेंगे साइंस, बून और बेन. ठीक है, तो आपने टाइटल डाल दिया, उसके नीचे आप प्रेसी लिख देंगे. प्रेसी मतलब जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है, इतना बड़ा पैसेज आपने पढ़ा है उसको शॉर्ट में आप लिख देंगे. ओके, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, टाइटल, कलेक्ट ऑल द की पॉइंट्स एंड प्रिपेयर अ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी राइट. फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब जब आप बड़े मटेरियल को शॉर्ट कर रहे हैं, उसकी प्रेसी लिख रहे हैं, तो सबसे पहले एक रफ रफ में करेंगे, रफ ड्राफ्ट. ठीक है, कोशिश होनी चाहिए कि अगर ओरिजिनल टेक्स्ट सपोज 100 वर्ड्स का या 90 वर्ड्स का है ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है, तो जब आप उसकी समरी बना रहे हैं, उसको शॉर्ट कर रहे हैं, उसकी प्रेसी लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए वो 30 वर्ड्स में आ जाए. ठीक है, यही तो होता है प्रेसी. प्रेसी मतलब ऑब्वियसली जब आप नोट्स बनाते हैं कॉपी में तो क्या पूरी बुक ही छाप देते हैं, नहीं ना, कोशिश करते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज ही लिखूं राइट. अगर 10 पेजेस का चैप्टर है आपकी बुक में तो कोशिश करते हैं कि उन नोट्स में मैं उसको 2-3 पेजेस में फटाफट निपटा दूं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रिड्यूस द ओरिजिनल टेक्स्ट टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, रीड द ड्राफ्ट, मेक एनी चेंजेस. फिर आप उस रफ ड्राफ्ट को एक बार पढ़ें, फिर चेंजेस करें, फिर उसको फिर से एक रफ, एक अब एक फाइनल ड्राफ्ट, अब एक फाइनल वो कर लीजिए उसको फाइनल. अब आपने सारी मिस्टेक्स करेक्ट कर ली, अब आप एक फाइनल प्रेसी लिख दीजिए. ठीक है, फाइनली आपने जो रीडिंग करी, गलत पॉइंट आपने उसमें कट कर दिए, फिर आपने फिर से एक बार फिर से लिखा. ठीक है, बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम दो दो प्रेसी बनाए, एक रफ बनाए और एक फिर फाइनल वाली बनाए, नहीं. तो बेटर ऑफ होता है एक बार, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि दो दो बार बनाए, तो एग्जाम में आप एक ही बार बना सकते हैं, तो कोशिश कीजिए उस एक बार में ही आप सही तरीके से लिखिए.
तो एग्जाम टिप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ें। वाइल रीडिंग कीप अंडरलाइनिंग व्हाट यू फील इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते रहिए। ठीक है, तो आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कर लिया है, फिर अपनी आइज को बंद कीजिए, पूरे एंटायर आइडिया जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचिए, फिर उसको एक प्रॉपर टाइटल दीजिए कि इसका टाइटल क्या हो सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइटल सही होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। देखो ना, जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ बुक में तो पहले मैं टाइटल पढ़ती हूँ, तो टाइटल पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि नीचे जो चीज़ लिखी है वो किस चीज़ के बारे में लिखी होगी, राइट। नीचे जो चीज़ें हैं, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, 10 पैराग्राफ हैं, वो किस चीज़ के बारे में है, तो वो किससे पता चलता है? टाइटल से। इसलिए टाइटल सही होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी स्मॉल एंड एज पर द पैसेज। टेक केयर, जब भी वाइल राइटिंग अ प्रेसी, दैट इज वाइल शॉर्टनिंग, डू नॉट चेंज द ऑर्डर। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, प्रेसी लिखते समय हम ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, राइट। ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से ही हम शॉर्ट करते चलेंगे, पहले ओरिजिनल टेक्स्ट का जो पहले पॉइंट दे रखा है, पहला पैराग्राफ, पहले उसको शॉर्ट करेंगे, फिर अगला पैरा को शॉर्ट करेंगे, फिर तीसरे पैरा को शॉर्ट करेंगे, इस तरीके से। इन एग्जाम यू कैनॉट मेक टू ड्राफ्ट ड्यू टू शॉर्ट टाइम्स, तो मेक श्योर दैट वट एवर यू आर राइटिंग इज करेक्ट एंड री रीड यूर प्रेसी। एक बार प्रेसी को फिर से पढ़ लेंगे एग्जाम में, ताकि कोई ग्रामर मिस्टेक है, कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है, राइट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपने की है, तो उन सबको आप सही कर लें। और लास्ट में अपने जितना आपने एग्जाम में प्रेसी लिखा है उस वर्ड्स को काउंट कर दीजिए और सबसे लास्ट में ब्रैकेट में अगली लाइन में लिख दीजिए, तो उससे ना एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कितना शॉर्ट किया है। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रेसी कैसा होना चाहिए? शुड बी 1/3 ऑफ द लेंथ, मैंने बताया, शुड बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज। अगर ओरिजिनल पैसेज 90 वर्ड्स का है तो कोशिश करिए, जब आप उसे शॉर्ट कर रहे हैं, उसके प्रेसे लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 30 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करें, और कोशिश कीजिए जब आप प्रेसे लिखें तो अननेसेसरी चीज़ों को हटा दें, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी चीज़ें भी डालते जाएंगे तो आपकी प्रेसी लंबी हो जाएगी। फिर प्रेसी लंबी थोड़ी ना होनी चाहिए, वो तो शॉर्ट होनी चाहिए ना, राइट। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, वर्डी एक्सप्रेशन मतलब जो लंबी चौड़ी बातें हैं, एक ही चीज़ के ऊपर लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, वो सब अवॉइड करें, राइट। कोशिश कीजिए किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की इन सिंपल वर्ड्स, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, बार बार चीज़ों का रिपीटेशन ना हो, राइट। एप्रोप्रिएट टाइटल चूज करें, कि जब आप प्रेसी लिखें तो सबसे पहले टाइटल लिखोगे, तब प्रेसी लिखते हो तो टाइटल भी सही चूज करें। डू नॉट चेंज द ऑर्डर, ये तो मैं बार बार बता रही हूँ। प्रेसी जब आप लिखेंगे तो उसी सीक्वेंस में आप शॉर्ट करते चलेंगे, उसी सीक्वेंस में प्रेसी करते चलेंगे जो सीक्वेंस आपके ओरिजिनल पैराग्राफ टेक्स्ट में है, राइट। ओरिजिनल टेक्स्ट का पहला पैराग्राफ को हम शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ पहला पैरा शॉर्ट होगा, फिर सेकंड पैरा पे आएंगे तो फिर अब मैं सिर्फ सेकंड पैरा शॉर्ट करूंगी, तो उसी सीक्वेंस में चल रही हूं मैं प्रेसी में भी, जिस सीक्वेंस में ओरिजिनल टेक्स्ट आपके सामने गिवन है। कोशिश कीजिए यूज थर्ड पर्सन, ठीक है, राइट इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में मतलब आप डायरेक्टली अपनी डायरेक्ट स्पीच मत लिखिए, राइट। रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ा था ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब किसी की, जैसे रामू ने बोला आई हैव टू गो, तो मैं ये नहीं लिखूंगी प्रेसी में आई हैव टू गो, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैड टू गो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही हैड टू गो, तो हम इनडायरेक्ट तरीके से लिखेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस वही यूज होगा जहां पे आप अपने प्रेसी में यूनिवर्सल ट्रुथ लिख रहे हैं, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ लिखते समय आप प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। राइजेस क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि रोज ही वहीं से राइज होता है ना, तो इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या मैं ऐसा बोलती हूँ सन रोज फ्रॉम ईस्ट, कभी भी नहीं बोलूंगी, राइट। इवन अगर मैं रात को लिख रही हूं सुबह के बारे में, तो मैं ये लिखूंगी सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, भले ही वो चीज हो चुकी है, बट है तो यूनिवर्सल ट्रुथ ना, तो यूनिवर्सल ट्रुथ को आप कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में ही लिखें, राइट। जैसे कि वी आर ऑल मॉर्टल्स, मतलब हम सब नश्वर हैं, राइट, तो वो आप लिख सकते हो किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो बस ये प्रेसी राइटिंग इतना ही था। अब हम थोड़ा सा बुक की तरफ आते हैं।
ठीक है, प्रेस से एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे कोई इंटरेस्टिंग सा ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला आपको एग्जाम में इस टाइप से दिया रहेगा। कोई पैसेज, सीधा पैसेज शुरू कर देगा वो, इंडिया हैज विटनेस्ड ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अंटिल सिंस द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंडिया ने देखी हैं, बट डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो हैं उनको कोई फ़ायदे नहीं मिले हैं, राइट, खास फ़ायदे नहीं मिले हैं। अभी भी हैंडीकैप चिल्ड्रन की एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं किया जाता है और माना जाता है कि दे आर मोर डिपेंडेंट, अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट बन जाएंगे, दे आर नॉन प्रोडक्टिव, इसीलिए उनको पढ़ा के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर इट हैज़ बीन आवर मिसकंसीव्ड नोशन, हमारा एक और मिसकंसेप्शन है कि हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीचर्स चाहिए और फिर बहुत कॉस्टली पड़ेगा, भाई स्पेशलाइज्ड टीचर्स तो महंगे मिलेंगे। ठीक है, तो इसी डर की वजह से हमने हैंडीकैप चिल्ड्रन की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, वी हैव नॉट बीन एबल टू इन्वॉल्व क्लिनिकल एंड एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स मेंट फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इट इज़ एनकरेजिंग टू नोट दैट न्यू नेशनल पॉलिसी, नई नेशनल पॉलिसी आई ऑन एजुकेशन, उसने रिकमेंडेड किया है द प्लेसमेंट ऑफ सच चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल्स। उसने बोला है कि हैंडीकैप बच्चों के लिए अलग स्कूल नहीं बनने चाहिए, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल बच्चों के साथ तो पढ़े, साथ ही साथ एक इंटीग्रेटेड एजुकेशनल हो, मतलब जहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों वाली चीज़ें तो पढ़े ही पढ़े, साथ ही साथ अपने उनके लेवल की चीज़ें भी उनको पढ़ाई जाए, राइट। द इंटीग्रेटेड एजुकेशन विल टेक केयर ऑफ द डिफरेंट नीड्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मतलब उनके नॉर्मल बच्चों के साथ तो क्लासेस लगाओ ही लगाओ, साथ ही साथ कुछ क्लासेस उनके एक्स्ट्रा लगाओ, राइट। The objective is to place disabled children in ordinary schools for imparting education with the help of special teachers, aids and other resources. For fulfilling this objective and array of the necessary infrastructure, एक हमें सब चीज़ हमें सब चीज़ें चाहिए होंगी, proper infrastructure, मतलब teachers हो गया, equipments भी चाहिए होंगे पढ़ाने के लिए, right? जो वैसे बच्चे होते हैं, हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, राइट, या फिर जो जिनकी हियरिंग लो है या जिनका मेंटल लेवल, मतलब भले ही वो बड़े हैं बट उनका मेंटल लेवल बहुत छोटा है बच्चों की तरह है, राइट, तो वो सब होती हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़, राइट। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए स्कूल में। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं अगर आप हैंडीकैप बच्चों को स्कूलिंग देना चाह रहे हो। तो हैंडीकैप बच्चों की शुरू की पढ़ाई अलग किया जाए, उन्हें थोड़ा सा राइट, उन्हें थोड़ा सा उनके रिगार्डिंग वाली टाइप की चीज़ें सिखाइए जो कि हैंडीकैप बच्चे कर सकते हैं, उसके बाद उनको नॉर्मल स्कूल्स में भी पढ़ाइए ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम सोसाइटी में अलग हैं, उनको लगे हम भी इन्हीं की तरह हैं, हम भी इनमें से एक हैं, राइट। तो ये तो था पूरा पैराग्राफ। अब एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यही आएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारे पास प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। अब आपको इसकी क्या लिखनी है, प्रेस ही, ठीक है।
जब आप प्रेसे लिखते हैं तो आपने क्या करा, उस पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट करके 1/3 तक कर दिया है, ठीक है। 1/3 करना मतलब आपने उन सब उनके उसके वर्ड्स शब्द काउंट कर लिए हैं, कितने वर्ड्स हैं। अगर लगभग 100 वर्ड्स है तो मैंने यहाँ पे 30 वर्ड्स में कंप्लीट कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर 100 का 1/3 करके, सपोज करो 90 का 1/3 करके आ रहा है 30, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल प्रेसी में 30 वर्ड्स होने चाहिए, नहीं, रफली थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाली, हेडिंग आप खुद सोचेंगे हेडिंग क्या डाल सकती है। तो हेडिंग डाली है आपने इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज, तो यही हेडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग पर्सन टू पर्सन हेडिंग चेंज होगी, ठीक है, बट कोशिश करेंगे हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारा पढ़ लिया और उसे लगे कि ये क्या हेडिंग डाल रखी है, हेडिंग तो मैच ही नहीं कर रही है कंटेंट के साथ, ठीक है। तो हेडिंग ऐसी होनी चाहिए विच शुड मैच योर कंटेंट, तो हेडिंग डाल दी, फिर उसने पूरा शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट किस हिसाब से करेंगे, आप जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है ना, कोशिश करिएगा उन्हीं को शामिल कीजिए। जैसे मैंने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को अंडरलाइन किया था, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, हैंडीकैप चिल्ड्रन को इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हैंडीकैप चिल्ड्रन रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज पीपल, कॉस्टली, राइट। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, ठीक है, जिसने रिकमेंड किया टू प्लेस देम इन रेगुलर स्कूल्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैंने अंडरलाइन किया है, तो वही सब पॉइंट्स आप नीचे लिखेंगे। तो देखो उन्होंने क्या क्या लिखा है, चेक करते हैं। Despite expansion of educational opportunities in India, the disabled children have not yet benefited significantly due to the belief that handicapped children are dependent and non-productive and their education requires highly specialized teachers. Educational programs for handicapped children have never been implemented. The new national policy, देखो वही सब चीजें वो ला रहा है जो हमने underline की थी, ठीक है, वही सब चीज़ें आ रही हैं। द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिकमेंड्स दैट सच चिल्ड्रन बी प्लेस्ड इन रेगुलर स्कूल्स वेयर देयर नीड्स आर केटर्ड टू, वेयर देयर नीड्स आर मेट। हाउएवर टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव, कुछ भाई अब हैंडीकैप चिल्ड्रन को पढ़ाना है तो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स तो आपको पहले से ही चाहिए ना, तो कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स पहले से ही आपको चाहिए, सच एज ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इक्विपमेंट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, राइट। होपफुली दिस रिकमेंडेशन विल ब्रिंग रिलीफ टू हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आपने प्रेसी लिख दिया, ओके। एंड इम्पॉर्टेंट चीज है, जब आपने शॉर्ट करा है तो ऊपर का पैराग्राफ ये शॉर्ट हो गया, फिर अगला पैराग्राफ या ये शॉर्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कि सेकंड पैरा को मैंने पहले शॉर्ट करा है और फर्स्ट पैरा को मैंने बाद में शॉर्ट किया है, नहीं, सीक्वेंस वही चलेगा। और ये चीज आपको भी याद रखनी है एग्जाम में, राइट। तो जब भी आप बड़े पैसेज को शॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले जब शॉर्ट करके आप अपनी आंसर कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले टाइटल लिखिए, तब आप प्रेसी लिखिए। और कोशिश कीजिए आपकी प्रेसी कितनी होनी चाहिए, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसका 1/3 होनी चाहिए प्रेसी, ठीक है। और सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे शॉर्ट करने का, जो सीक्वेंस आपको ओरिजिनल पैसेज में दे रखा है, ओरिजिनल टेक्स्ट में दे रखा है, ओके। तो इस तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 6 एंड 7 फिनिश होते हैं। थैंक यू सो मच।